हथकरघा दिवस पर बीएचयू भारत कला भवन में विशेष प्रदर्शनी संग्रह घर घर संग्रहालय का आयोजन हुआ। भारत कला भवन संग्रहालय द्वारा 9वें हथकरघा दिवस के उपलक्ष्य में केंद्रीय कक्ष में एक विशेष प्रदर्शनी संग्रह घर घर संग्रहालय का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन कबीर एवं राष्ट्रीय पुरस्कार से विभूषित उस्ताद बुनकर हाजी शायद जुनैद ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संकल्पना घर घर संग्रहालय पर आधारित अपने आप में अनोखी इस प्रदर्शनी में भारत कला भवन द्वारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिवार में कार्यरत अध्यापकों, कर्मचारियों, पुरुष महिला के परिधान व वस्त्र आदि, जिससे उनके जीवन में कोई महत्वपूर्ण घटना या स्मृति जुड़ी थी, उनको आमंत्रित किया गया था। इस क्रम में प्राप्त प्रदर्शनी में कुल 21 वस्तुएं शामिल की गई, जिनमें जामदानी, अंगरखा, बनारसी एवं बालूचरी साड़ियां, ओढ़नी, काथा, मन्नत की चादर, तकिये का गिलाफ, थालपोश एवं तोरण इत्यादि वस्तुएं प्रदर्शित की गईं। इस प्रदर्शनी में प्रोफेसर अंजन चक्रवर्ती, प्रोफेसर कविता शाह, प्रोफेसर मृदुला सिन्हा, डॉक्टर आनंदिता चक्रवर्ती, डॉक्टर राजीव मंडल एवं डॉक्टर जसमिंदर कौर द्वारा संग्रहित वस्त्रों को प्रदर्शित किया गया। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य हमारे घर में रखी पुरातन वस्त्रों के महत्व की अभिव्यक्ति है। उदाहरण स्वरूप, कई बार घर में रखी पुरानी बनारसी साड़ियों के महत्व से अनभिज्ञ होकर हम उनमें लगी थोड़ी बहुत सोने चांदी की जरी को महत्वपूर्ण समझते हुए उन्हें जला देते हैं, पर ये नहीं जान पाते हैं कि ऐसा करने से हम अपनी सांस्कृतिक विरासत एवं परंपरा को अपूर्ण क्षति पहुंचा रहे हैं। एक वस्त्र की बुनाई के कई आयाम होते हैं, वे आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास के निर्माण में सहायक हो सकते हैं। इस राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर आयोजित प्रदर्शनी की परिकल्पना भारत कला भवन की उपनिदेशिका डॉ जसमिंदर कौर द्वारा की गई, जबकि क्यूरेशन डॉ प्रियंका चंद्रा एवं प्रदर्शन विनोद कुमार ने किया। इस प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह में प्रोफेसर मधु तपाड़िया, प्रोफेसर मृदुला सिन्हा, डॉ शांति रूप सिन्हा, डॉ ज्योति एवं भारत कला भवन के समस्त कर्मचारीगण व विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं मौजूद रहे। देखिए, ये अपने तरह की बहुत नई चीज़ है। इसमें सिर्फ बनारस के लिए ही नहीं, बल्कि तमाम तर लोगों के लिए जो हाथ के बने हुए कपड़े बना रहे हैं या उस पर एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं या उस पर प्रिंट कर रहे हैं, इन सब पुराने कलेक्शन को हमें सीखने का बेहद अच्छा मौका है। और हमें उम्मीद है कि आगे भी इस तरह की चीज़ें होती रहें, जिससे हम नई पीढ़ियों को एक नई सीख दें। और आज हमने एक हथकरघा दिवस पे एक विशिष्ट एग्जीबिशन का को आयोजित किया है। इस एग्जीबिशन की जो संकल्पना है वो जो पिछला अभी अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस दिल्ली में मनाया गया था, उसी में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक अपने भाषण में एक चीज़ को शामिल किया था, घर घर संग्रहालय। तो कहीं ना कहीं ये मेरी बात मन में बैठी हुई थी और इसी को आधार बनाते हुए हमने बीएचयू के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं या फिर जो कर्मचारी हैं, उनसे हमने इन्विटेशन मांगा, उनको हमने आमंत्रित किया था कि आप अपने संग्रह से हमें कुछ जो आपको लगता है उसमें कुछ कारीगरी है, उसमें आपके कुछ इमोशंस हैं, वो हमसे शेयर करिए, हम उसे संग्रहालय में एग्जिबिट करेंगे। और हमें बताकर खुशी हो रही है कि हमें बहुत इसका सकारात्मक जवाब मिला और इसमें से कुछ चुनिंदा कलाकृतियां जो हैं हमने इस दीर्घा में प्रदर्शित की हैं, और जिसमें आपको बनारसी वीविंग, एम्ब्रॉयडरी और क्रोशिया वर्क देखने को मिलेगा। पर कहीं ना कहीं ये सिर्फ ना सिर्फ अपनी वर्कमैनशिप के चलते बल्कि इनके पीछे जो संवेदनाएं जुड़ी हुई हैं, जो उनके पीछे जो अभिव्यक्ति है, जो उनका इमोशंस, कलेक्टर के जो इमोशंस हैं, वो भी हमने कोशिश की है इस एग्जीबिशन के माध्यम से बताने की। तो मुझे उम्मीद है कि जो विजिटर्स हैं वो इस एग्जीबिशन को इंजॉय करेंगे और आगे हमारी योजना है कि हम इसे अपने सिटी के पूरे जो हमारे शहर के लोग हैं उनको भी हम आमंत्रित करें इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। तो पर्पस ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग म्यूज़ियम से जुड़े हैं और वो भी एक म्यूज़ियम का अपने आप को समझें कि उनका जो कलेक्शन है वो उतना ही अच्छा है और आम लोग भी उनके कलेक्शन को इंजॉय कर सकें।